पंख माथे पे जड़ा और होठों पर मुस्कान रे। बस बजाए बंसी बजाए बोरा राता शाम रे। देख जड़ा पर होटो पर मुस्कान रे। असुर जाए बंसी बजाए बोला राता शाम रे।
हे राजकुमार, हम भूखों मर जाएंगे, हम आपके पाँव पड़ते हैं, हम पर दया कीजिए राजकुमार, हम पर दया कीजिए, हमारे बेटे बेटियों को मत ले जाइए राजकुमार, मत ले जाइए। मैं कंस हूं, मैं जो चाहता हूं ले जाता हूं। सीखना तो
वापस ले। मैं अपने प्राण तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूं, इसका वैसे ही ध्यान रखना जैसे मैंने रखा। इसे कभी कोई दुख मत होने देना। ऐसा ही होगा भैया। तू नीचे उतर, अपनी बहन का साथी मैं बन गया। से विदा कर रहा है उसी देवकी का आठवां पुत्र तेरा काल होगा। मेरी प्यारी बहन की विदाई का शुभ अवसर मेरी मृत्यु का अशुभ संकेत बनेगा? कदापि नहीं। मेरा होने वाला भांजा मेरा काल बनेगा? असंभव, असंभव। देखी, मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना मेरी प्यारी बहन। जीवन मेरी मृत्यु का कारण बनने वाला है। देवकी, तेरी मृत्यु में ही मेरा जीवन है। देवकी एक स्त्री है, ऊपर से तुम्हारी बहन है, और आज उसकी विदाई का दिन है। ऐसी स्त्री पर शस्त्र उठाना तुम जैसे वीर योद्धा को शोभा नहीं देता। ये देवकी का दुर्भाग्य है और मेरी व्यवस्था। तो अपनी पत्नी की रक्षा के लिए मैं भी विवश हूं भैया कंस। और स्मरण रहे, यदि मेरी तलवार उठी तो समस्त वृष्णियों की तलवारें भी उठेंगी और वृष्णियों के साथ अन्य यादवों की भी। मुझे धमकी दे रहे हो वसुदेव? नहीं भैया, भैया बताया करो। और अपने काल को मैं जीवित छोड़ दूं? कदापि नहीं। ना मैं हूं ना देवकी, बल्कि हमारा आठवां पुत्र है। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जन्म लेते ही देवकी की हर संतान तुम्हारी सेवा में अर्पित करेगी। तुम सत्यवादी और वचन के पक्के हो वसुदेव, परंतु जब तक मेरा काल समाप्त नहीं हो जाता तुम दोनों गजराज बंदी गृह में बंदी बनकर रहोगे। सेनापति, जो आपका महाबली। जब मैं बचाव का अवसर देता हूं, अन्यथा
सीधे मृत्यु दंड देता। कंस की तलवार ही कंस का पुत्र है महाराज उग्रसेन, जिस तलवार ने मथुरा के हर शत्रु को उत्तर दिया है, आज वही तलवार मथुरा के सिंहासन को भी उत्तर दे सकती है। तूने जो किया है वो केवल राजद्रोह नहीं अधर्म है कंस। अपने प्राणों की रक्षा करना हर क्षत्रिय का धर्म है, और यदि अब भी आप संतुष्ट नहीं हैं, तो धर्म अधर्म का अंतर जानने के लिए आपको भी गजराज बंदी गृह में भेज दिया जाएगा। तुम मुझे धमकी दे रहे अपने पिता को, यादवों के सम्राट को? धमकी नहीं पिताश्री, चेतावनी। ऐसे पुत्र से तो छुटकारा नहीं, मैंने अवश्य ही कोई महापाप किया होगा जो कंस जैसा बेटा पैदा हुआ। भगवान पर भरोसा रखिए महाराज उग्रसेन, रात जितनी काली होती है सुबह उतनी ही निकट होती है। भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं बता देती। संभव है हमारा बंधन दूसरों के लिए मुक्ति का द्वार खोल दे। ये कृष्ण न जाने अपने आप को क्या समझते हैं युवराज, कि एक वसुदेव के लिए आपसे शत्रुता मोल लेना चाहते हैं। ये चिंगारी यदि मूर्ख जनता तक पहुंच गई तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं युवराज। शत्रुओं के आक्रमण का भय दिखाकर राज्य की सुरक्षा के नाम पर आपातकालीन स्थिति घोषित कर दो। वसुदेव और देवकी से सहानुभूति रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बंदी बना दो। विरोध में जो सिर उठे उसे मृत्यु दंड दो। मैंने उन्हें चेतावनी भी दी कि संत महात्माओं को महाराज ने मृत्यु दंड का आदेश दिया। वे नहीं माने, बोले कंस से कह दो नारद आए। नारद? तूने पहले क्यों नहीं बताया मूर्ख? नारद मेरे परम शत्रु विष्णु का भक्त है, उससे को बुलवाया जा सकता है कि विष्णु मेरे विरुद्ध कौन सा षड्यंत्र रच रहा है। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। विष्णु के शत्रु के राज्य में विष्णु का भक्त, क्या तेरे प्रताप से भयभीत होकर अपने नारायण की शरण छोड़ मेरी शरण में आना चाहते हैं? जो हर प्राणी में नारायण को देखता है उसे कैसा भय? मैं तुझे केवल ये समझाने आया हूं कि तेरे भीतर भी उसी नारायण का वास शत्रुता मोड़ी जिससे कंस के भीतर केवल कंस की महत्वाकांक्षा का वास है। नारद मुनि, तुम निश्चय ही एक शक्तिशाली सम्राट हो कंस, परंतु एक सम्माननीय और प्रतिष्ठित पुरुष सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु की परम सत्ता को स्वीकार करके उनके प्रति समर्पित हो जाता है। महाराज कंस, जैसा मैंने वचन दिया था, ये रही मेरी पहली संतान, मेरा पुत्र। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं इस अवसर पर आनंद व्यक्त करने में असमर्थ हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। नारद मुनि,
मैं इस बालक के साथ जो चाहूं कर सकता हूं। आपकी नीति और ज्ञान से भरे हुए शब्द भी मुझे रोक नहीं सकते। मैं जो चाहूं कर सकता हूं, परंतु ये बालक मेरा काल नहीं। अपना आठवां पुत्र लेकर आना, मैं प्रतीक्षा करूंगा। कंस, आपकी दया के लिए मैं सदा आपका अनुग्रहित रहूंगा। आप बताइए नारद मुनि, दोनों में कौन अधिक सम्मानीय और प्रतिष्ठित पुरुष है? आपने देख लिया ना, काल भी कंस के वश में है। इतना घमंड अच्छा नहीं कंस। भगवान विष्णु सारे जगत के परमेश्वर, काल भी उनके अधीन है। उनसे शत्रुता साक्षात मृत्यु को निमंत्रण है। अभी भी समय है, चेत जा और नारायण की शरण में जाकर उनसे अपने पापों के लिए क्षमा मांगा। कंस का कोई परमेश्वर नहीं। कंस ने पूरी पृथ्वी पर अपनी विजय पताका अपने पुरुषार्थ के बल पर फहराई है। शीघ्र ही मैं अपनी विजय पताका स्वर्ग में भी फहराऊंगा और इंद्र समेत समस्त देवताओं को अपना सेवक बनाऊंगा और उसके बाद आपके इस नारायण को भी। तब आपको भी नारायण नारायण नहीं, कंस कंस कहना पड़ेगा। तेरा अज्ञान ही तेरा दुर्भाग्य है कंस। नारायण ने अपने भक्तों की रक्षा और तेरे जैसे अधर्मियों के नाश के लिए धरती पर अवतरित होने का संकल्प लिया है। नारायण के स्वागत की तैयारियां आरंभ हो चुकी हैं। देवता मानव रूप में अवतरित होने लगे हैं। समय के गर्भ में तेरा काल तेरी प्रतीक्षा कर रहा है कंस, जैसा मैंने कहा था। परंतु जब तेरा काल आएगा, तब ना तेरे पास समय बचेगा ना तू बचेगा। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। नारद मुनि की बातों में आने की भूल मत कीजिएगा महाराज। इधर की उधर लगाने के लिए ही तो विख्यात है। आप तो यादवों के सम्राट हैं। आपका जीवन बहुमूल्य है। आपके जीवन के आगे एक साधारण बालक के जीवन का क्या मोल? महाराज, आठवीं की प्रतीक्षा करने का अर्थ है काल को सात अवसर देना। हाँ हाँ महाराज, पहला भी उतना ही बड़ा संकट सिद्ध हो सकता है जितना बड़ा आठवां। इस कमल के फूल में कौन सी पंखुड़ी पहली है और कौन सी आखिरी, कौन बता सकता है? दाएं से गिनो तो आठवीं भी पहली है, बाएं से गिनो तो पहली भी आठवीं है,
इस कमल की हर पंखुड़ी आठवीं हो सकती है देवकी, इसलिए तेरी हर संतान निराकाल हो सकती है देवकी। आदेश है Yeah.
पाप तो आया हरि आया तुम्हे पाप का विनाश हो से प्रसन्न होकर ही मैंने आज तुम्हारे यहां जन्म लिया है। वसुदेव, विलंब मत करो, मुझे तुरंत यमुना के पार गोकुल ले जाओ। वहां नंद की पत्नी यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया है। यशोदा प्रसव की थकान में बेसुध सोई होगी। उसके पास मुझे लिटाकर उसकी बच्ची को यहां ले आओ। शीघ्रता करो वसुदेव। कृष्ण पक्ष की अष्टमी की ऐसी काली रात में जब बाहर प्रकृति का तांडव हो रहा है और कारागृह के भीतर मृत्यु कंस के रूप में कभी भी उपस्थित हो सकती है, ऐसी विकट परिस्थिति में हमारे पुत्र ने जन्म लिया है। Thank you.
में कोई अंतर नहीं करती तो मैं क्यों करूं? राधे से मुझे मारकर तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। तेरा काल कहीं और जन्म ले चुका है, जगत का कारण हार आ चुका है, भगवान स्वयं आ चुके हैं। तेरे जैसे पापियों का नाश अब निश्चित है। जाती है अपने राजा की सेवा? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे खट्टा फल खिलाने की? कहाँ है तू? आखिर कब तक बचेगा मेरे हाथों से मेरे काल? नहीं, कंस को तू छू भी नहीं सकता। मैं तुझे पकड़कर अब पैर तले कुचल डालूंगा। मैं संसार का कोना कोना छान मारूंगा और तुझे ढूंढ निकालूंगा। बच्चों के साथ भी ऐसा व्यवहार करती हो? तुम जो कोई भी हो अपना परिचय दो इससे पहले कि मैं तुम्हारी बलि चढ़ा दूं। प्रणाम महाराज कंस। मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए पुत्रा। देववाणी से चेतावनी मिली थी कि मेरी बहन का आठवां पुत्र मेरा काल बनेगा। पहले सात तो स्वयं काल के काल समान, परंतु आठवां ही मेरा काल है। मैं आदेश देता हूं कि पिछले 10 दिनों में जन्मे सभी बच्चों को मार दो, ताकि यदि मेरा काल जीवित है तो उनमें वो भी मारा जाए। जो पूतना को अच्छी तरह नहीं जानता वही उसे ऐसा दुष्कर्म करने का आदेश दे सकता है। क्योंकि पूतना तो स्वयं ऐसे कर्मों को करने की प्रतीक्षा में रहती है। तुमने यशोदा कृष्णा कितना सुंदर है। हाँ, बड़ा ही अद्भुत है। उसे देखकर मैं ऐसी मोहित हुई कि सुदबुद्धि खो बैठी। इतना नन्ना सा है और आँखों में ऐसा आकर्षण,
कृष्ण सच में बड़ा अद्भुत है। कृष्ण अद्भुत? यही होगा वो। परंतु यदि सच में वो इतना शक्तिशाली है तो अवश्य ही घातक भी होगा। मुझे पूरी तैयारी से जाना होगा। ये कृष्ण नाम का सुंदर शिशु किस घर में है? धन्यवाद। ये तो देवलोक की कोई अप्सरा जान पड़ती है। सच में मैंने आज तक इतनी सुंदर नारी नहीं देखी। देखो तो कैसा प्यारा है। मुझे भी देखने दो ना। बहुत ही खूबसूरत है। ओ, बहुत प्यारा है। हाँ, बहुत सुंदर। क्या आप तीनों लोगों की देवी हैं? क्या आप कृष्णा को आशीर्वाद देने आई हैं? कौन है आप और आपका मेरे घर आगमन कैसे हुआ? मैं देवलोक की वासिनी हूँ। मेरे स्तन का पान करके आपका पुत्र अमर और महाशक्तिशाली हो जाएगा। ये बालक तो सच में कोई अद्भुत शक्ति लगती है। मुझे स्वयं की रक्षा करते हुए इसे बहुत सावधानी से मारना होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये समस्त सृष्टि की पालिनी देवी पार्वती हैं। ये अवश्य ही कोई देवी हैं जिनका दूध मेरे कृष्ण को और भी अधिक शक्ति प्रदान करेगा। बस जी भर के दूध पियो मेरे लाल, क्योंकि इसके बाद तुम्हें कभी भूख नहीं लगेगी। नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। इतने वर्षों बाद भगवान ने हमारी सुन ली और ये अनमोल रत्न प्रसाद की तरह हमारी अंजलि में डाल दिया। आप हमारे आनंद का अनुमान नहीं लगा सकते जब हमें ये स्वर्ण की आभा जैसी गोरी बालिका यमुना के एक कमल के फूल पर लेटी हुई मिली। इतनी प्यारी, इतनी सुंदर। वृषभान, इतने उल्लास के अवसर पर आंसू? हमारे उल्लास को
एक ही ग्रहण खाया जा रहा है नंद। 11 दिन हो गए परंतु मेरी बच्ची ने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली। मेरी बेटी ने आंखें खोल दी। तेरे कृष्ण के स्पर्श से ही मेरी बेटी ने अपनी आंखें खोल दी। वृषभान, लगता है तुम्हारी पुत्री ने केवल कृष्ण को सबसे पहले देखने के लिए ही अब तक अपनी आंखें बंद रखी थी। इसीलिए मैं इसका नामकरण करता हूं राधा। राधा जिसका अर्थ है कृष्ण की सर्व प्रमुख आराधिका। परंतु गुरुदेव, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। राधा तो अभी बच्ची है, उसने कृष्ण को कैसे पहचाना होगा? बुद्धि से सोचोगे तो संभव नहीं लगता, हृदय से देखोगे तो संभव है। ये पहचान युगों युगों की हो। राधा एक साधारण बालिका नहीं है, वो भगवान के आनंदमय शक्ति का स्वरूप है। कृष्णा, क्या कर रहा है बेटा? ये नटखट माखन चला रहा था, मैंने इसे मना किया और इसे माखन वापस ले ला था। कृष्णा, तू तो संसार का सबसे प्यारा चोर है। एक ओर जहां वृंदावन में गूंज रही थी हंसी किलकारियां, वहीं मथुरा का राजमहल थर्रा उठा था महाराज कंस के क्रोध से। मुझे पता था वो मूर्ख राक्षस भी मेरी चुनौती स्वीकार नहीं कर पाएगा। त्रिणावर्त तक वो समाचार पहुंच गया होगा महाराज। कैसा समाचार? कि एक नवजात शिशु ने पूतना का वध कर। वो नवजात शिशु मेरा काल है, समझे? पूतना जैसी राक्षसी से एक शिशु भी ना मारा गया, उसका मरना ठीक ही था। मैं हूं त्रिणावर्त।
तुम एक कमल फूल का रूप धरकर मेरे काल का संहार करोगे? कैसे मूर्ख दानव हो तुम? ये फूल नहीं महाराज कंस, मैं वो पवन हूँ जो इसे थामे हुए है। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। मेरे नवजात काल को ढूंढ कर तुरंत उसका अंत करो। ये काल अवश्य ही कोई महाशक्ति है महाराज, जिसने आपको भी इतना चिंतित कर दिया। बहुत बड़ी महाशक्ति। मैं उस महाशक्तिशाली शिशु के दो टुकड़े कर दूंगा एक तिनके की तरह। मुझे आशा है तुम अपना वचन पूरा करोगे, मुझे निराश न करना तृणव। मधुर बांसुरी बजाते रहो, ये संगीत सुनकर मुझे कठिन कार्य में भी आनंद आता है। नहीं, दूध। मैं दूध नहीं बनाती मेरे कान्हा, गायें दूध बनाती हैं। मैं तो मक्खन निकाल रही हूँ। दूध, दूध। ओह, तुम्हें दूध चाहिए? मेरे कान्हा को भूख लगी है। तो तुम पेट भर के दूध पियो मेरे लल्ला। ना 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 ला 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 ला। तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। हाँ बेटा। ओह कृष्णा, मैं जानती हूँ तुम छिप रहे हो, परंतु तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है कन्हैया। मेरी हंडिया फोड़ने के लिए मैं तुम्हें नहीं डांटूंगी। कृष्णा, कृष्णा, क्या तुम लोगों ने कृष्णा को कहीं जाते हुए देखा है? नहीं यशोदा मैया। Thank you.
कृष्णा। क्या तुमने घोंसले से धरती पर गिरकर टूटने वाले अंडे को देखा है? अब तुम जान जाओगे धरती पर गिरना कैसा लगता है। नहीं गिरेगा कृष्णा। अब तुम सुरक्षित हो, मेरे पास आओ। कृष्णा, कृष्णा, प्रभु की कृपा से तुम बच गए। राक्षस मारा गया। ओ कृष्णा, तुम सच में जगत के मनमोहना हो। वृंदावन में समय बीत रहा था और कृष्ण बड़ा हो रहा था, साथ ही बढ़ रही थी उसकी शरारतें। मैं नंद महाराज को विशेष उपहार देने के लिए इन मीठे फलों की टोकरी भरकर ले जाऊंगा। ये तो बहुत भली सोची सुबला। हाँ?
देखो मधुमंगल कितना परिश्रमी है और परिश्रम का फल खुद ही खा रहा है। मुझे तो एक ही चीज सूझ रही है, सोना। सुबला तुम्हें भी थोड़ा विश्राम कर लेना चाहिए। भली कही भैया, मैं भी यही सोच रहा था। पर कृष्णा, मेरा कार्य पूरा नहीं हुआ। ये कार्य मैं कर लूंगा सुबला। कृष्ण कितनी मधुर बांसुरी बजा रहा है, मेरा तो नाचने का मन करता है। चलो ना विशाखा, चलो ललिता।
भूल जाती हूँ कि इस द्वार को हमेशा ताला बंद करके रखना चाहिए। यमुना तट के बंदरों की वजह से कुछ भी सुरक्षित नहीं है, और वो यशोदा का नटखट कृष्णा। ताला न लगाया तो क्षण भर में इतनी मेहनत से निकाला गया सारा माखन यूं चट कर जाएगा। पर ये भी तो है कि वो इतना सुंदर और भोला दिखता है कि उसको उसकी शरारतों के लिए मैं डांट भी नहीं पाती। ओह, होगा वो सुंदर और भोला, पर मैं इस बार उसके झांसे में आने वाली नहीं हूँ। पता है माता प्रभावती अभी अभी क्या करके उठी है? मैं बताऊं, उन्होंने अभी अभी हांडी भर के मलाईदार दही बिलोई है और उसमें से ढेर सारा माखन निकला है, संसार का सबसे स्वादिष्ट माखन। ओ कृष्णा, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मुझसे रुका नहीं जाएगा। ऐसा माखन जो जीभ पर रखते ही घुल जाए और खाने वाले को स्वाद की दुनिया में ले जाए। ओ कृष्णा, कौन है वहाँ? अभी अभी तो तुमने कितना माखन खाया है कृष्णा? अच्छा, कितना भी माखन खाऊं मेरे लिए तो कम ही है ना सुबाला? तुम्हारी बात में दम तो है, पर मेरा पेट कह रहा है कि मैं कृष्णा की बात मानूं। तो फिर जल्दी चलो ना। ये नहीं सुधरेंगे तो फिर मैं अकेला सुधर के क्या करूंगा? कृष्णा, कहाँ छिपाया है उन्होंने सारा माखन? इतना खतरा मोल लेना तो व्यर्थ ही गया। हाँ, इसकी बात सही है, उन्होंने माखन कहीं और छिपाया होगा। उनके आले से पहले निकल लेते हैं। ये तो असंभव है, हम वहाँ कभी नहीं पहुँच पाएंगे। कृष्णा के रहते हुए कुछ भी असंभव नहीं मधु। तो अब तुम्हारे पास क्या योजना है कृष्णा? योजना की कोई कमी थोड़ी ना है जब तुम लोग मेरे साथ हो। रंगे हाथ मक्खन चुराते पकड़ा है, इसने हंडिया उतारकर पूरे घर में मक्खन बिखेर दिया। मैंने इतना ऊपर टांगा था मगर ये न जाने कैसे वहाँ तक भी पहुँच गया। इस बार मैं इसकी सुंदर सूरत देखकर नहीं पिघलने वाली, हर बार ये जादू चलाकर बच निकलता है, इसीलिए मैंने इसको पास ले आई, इससे पहले कि ये फिर से मुझ पर अपनी भोली भाली सूरत का जादू चलाए और मैं कुछ भी ना कर पाऊं। ओहो प्रभावती, मुझे पता है तुम कृष्ण पर क्रोधित हो
और तुम उसे उसकी शरारतों के लिए दंडित करना चाहती हो, किंतु तुम्हें ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या तुमने ही तो कहा था कि जब भी कृष्णा कोई शरारत करे मैं उसे पकड़कर तुम्हारे पास ले आऊं। तो मैं ले आई, मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा था, तो अब दो इसे दंड। ओ प्रभावती, तुम भी ना, दिन भर मेरे कृष्ण के बारे में सोच सोच कर तुम बहक गई हो। तुम्हें पता है तुम किसे पकड़ लाई हो? क्यों, किसको पकड़ लाई मैं? चंद्रू, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैया। देखा तुमने प्रभावती, तुम अपने ही पुत्र को यहाँ पकड़ लाई। इसने कोई शरारत की होगी और तुम कृष्ण के बारे में सोचते हुए इसे यहाँ ले आई। बेचारी, चलो छाया में बैठो, मैं तुम्हारे लिए ठंडी लस्सी लाती हूँ, पी लो, मन शांत होगा। चंद्रू, अपनी मैया को इस तरह परेशान नहीं किया करते, देखो तो बेचारी का क्या हाल हो गया। मगर मैंने तो कृष्णा का हाथ पकड़ा था, मुझे अच्छी तरह से याद है, पूरे रास्ते उसी का हाथ मेरे हाथ में था, कमल की पंखुड़ी जैसे उसके नरम नरम हाथ। पर चंद्रू, चल यहाँ से। मैया, उनकी बातों में आ गई तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम्हें अपने पुत्र पर विश्वास होना चाहिए कि मैं तुम्हारा ही पुत्र हूँ। या वही माखन चोर कृष्णा। माता प्रभावती, मैं कृष्णा हूँ, नंद बाबा और यशोदा का पुत्र। कृष्णा, ये सच में तू है या मेरा चंद्रू? पर माता प्रभावती, मुझे अच्छा नहीं लगा कि आप मुझे चोरों की तरह पकड़कर मैया के पास ले गई। मेरा दोष तो केवल ये था कि मैंने माखन चुराया, वो भी आपके हाथों का बना, जो कि वृंदावन का सबसे स्वादिष्ट माखन है। पर मैंने तो मेरे साथ फिर ऐसा कभी मत करना माता, मैं तुम्हारा भी तो पुत्र हूँ है ना? अगली बार ऐसा किया तो चंद्रा की जगह अपने पति का हाथ पाओगी और फिर पूरा का पूरा वृंदावन तुम पर हंस रहा होगा। कल्पना, आजकल पता नहीं मुझे क्या हो गया है। एक बच्चे की खोज में 10 वर्ष बीत गए, परंतु अभी तक कोई संकेत, कोई चिन्ह नहीं मिला। 10 वर्ष क्या कंस, 10 सहस्त्र, 10 लाख, 10 कोटि वर्ष भी तुम खोजते रहो तो भी वो नहीं मिलेगा, यदि वो स्वयं तुमसे ना मिलना चाहे। नारद मुनि, यदि आपको उस बालक के विषय में इतना कुछ पता है तो ये भी पता होगा कि वो कहाँ है। हाँ, उसकी इच्छा से ही मैं जानता हूँ, और उसी की इच्छा से अब तेरा भी जानने का समय आ गया है। कंस, तेरा काल वसुदेव देवकी का 8वां पुत्र कृष्ण वृंदावन में नंद और यशोदा के यहाँ अपने भाई बलराम के साथ पल रहा है। वसुदेव और देवकी ने मेरे साथ छल किया। अक्रूर जी, अब तो मैं अपने प्यारे भांजे से मिले बिना रह नहीं सकता। आप तुरंत वृंदावन जाइए और मेरे भांजे को सादर लेवा लाइए। मेरे क्रीड़ांगन में मल्ल युद्ध प्रतियोगिता के लिए निमंत्रित कीजिए। अपने भांजे को देखने के लिए मेरी आंखें 10 वर्षों से तरस रही हैं। अब विलंब मत कीजिए अक्रूर जी, प्रस्थान कीजिए।
कृष्ण, मथुरा से अखरूर काका आए हैं। अखरूर काका, आपके आगमन से हम धन्य हुए। तुम्हें देखने के लिए मैंने जीवन भर प्रतीक्षा की है कृष्ण। आज तुम सामने हो, फिर भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। कृष्ण, हे प्रभु, तुम तो सारे जगत की प्यास हो। पशु, मनुष्य, देवता, सभी तुम्हें ही खोज रहे हैं, क्योंकि सभी शाश्वत प्रेम और परम आनंद खोज रहे हैं। इस जगत से धन मिल सकता है, पद और प्रतिष्ठा मिल सकती है, परंतु प्रभु, शाश्वत प्रेम और परम आनंद कभी नहीं मिल सकता। वो तो तुम्हारी अलौकिक संगति से ही प्राप्त हो सकता है। इसी निस्वार्थ प्रेम, भक्ति और दिव्य आनंद को दर्शाने के लिए तुम बार बार अवतरित होते हो। इस लोक में जब अज्ञानवश जीवात्माएं असह्य दुख भोगने लगती हैं, तो तुम करुणावश अवतरित होकर अपनी लीला से उन्हें अपने लोक की ओर आकर्षित करते हो। कृष्ण, कंस एक अत्याचारी शासक है। उसने राजधर्म को ताक पर रख दिया है और अपने राक्षस साथियों की सहायता से मथुरा पर शासन कर रहा है। महाराज उग्रसेन को बंदी बनाकर उसने अपने आप को चक्रवर्ती घोषित कर दिया है। यादवों के 18 कुल मथुरा छोड़कर पलायन कर गए हैं और तुम्हारे माता पिता के साथ उसने जो अन्याय किया है, तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे 6 सगे भाइयों की जैसी निर्मम हत्या की है, उसे बताने के लिए न तो मेरे पास शब्द है न साहस। यमुना में इतना जल नहीं होगा जितने देवकी के आंसू बहे। हिमालय में इतनी चट्टाने नहीं होंगी जितनी वसुधैव ने अपनी छाती पर रखी। मेरे माता पिता की मुक्ति और कंस की मृत्यु का समय आ गया है। अक्रूर काका, कंस के भार से धरती को मुक्त करने का समय आ गया है। कृष्ण, कंस ने एक राष्ट्रीय मल्ल युद्ध प्रतियोगिता आयोजित की है जिसमें उसने तुम्हें भी निमंत्रित किया है। वो सबके सामने तुम्हारा वध करवाना चाहता है और यह अशुभ समाचार तुम तक पहुंचाने का दुर्भाग्यपूर्ण उत्तरदायित्व मुझे सौंपा गया है। आप चिंतित ना हो अक्रूर काका, क्यों दाऊ? सुनो सुनो सावरे की बंसी है बाजी, सुनो सुनो सावरे की बंसी है बाजी, नैनो से धार धार कजरा बहे जी, जियरा तर से नैनो तर से, जियरा तर से नैनो तर से, प्यासी प्यासी अखियाँ कहे से बरसे। सुनो सुनो सावरे की बंसी है बाजी, नैनो से धार धार कजरा बहे जी, जियरा तर से नैना तर से, जियरा तर से नैना तर से, प्यासी प्यासी अखियाँ कहे से बरसे। सुनो सुनो सावरे की बंसी है बाजी। मेरे लिए समस्त वृंदावन वासियों का अगाढ़ प्रेम भक्ति की पराकाष्ठा है और विशेष रूप से गोपियों का अनन्य प्रेम तो अपनी गहराई, ऊंचाई, पवित्रता और दिव्यता के कारण भक्ति की परिपूर्णता है। और तुम राधे, तुम उस अनन्य प्रेम की शिरोमणि हो। सच तो ये है कि मैं ना तुम्हारे प्रेम की बराबरी कर सकता हूँ, ना उसका ऋण उतार सकता हूँ। क्षमा करना राधे, मुझे मथुरा जाना ही होगा। संसार को मेरी आवश्यकता है।
इतिहास मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। मधुबन गूंजे ताराना, श्याम रंग रूप लुभाना, सिमरन करके हरी और काना। तू है निर्मोही मोना, भाई तुझे मुहे सताना, दर्स दिखा दे वेरी और काना। सुनो सुनो सावरी की बंसी है बाजी, नैनो से धार धार कजरा बहे जी। जियारा तरसे, नैना तरसे, जियारा तरसे, नैना तरसे। प्यासे प्यासी आँखियाँ कहे से बरसे। ये सुनो सुनो सावरे की बंसी है बाजी। हमारे पालक, हमारे अन्नदाता, मथुराधिपति महाराजाधिराज महाबली कंस महाराज क्रीड़ांगन में पधार रहे हैं। और अब इस प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि देवकी और वसुदेव के पुत्र कृष्ण और बलराम क्रीड़ांगन में पधार रहे हैं। मेरे लाल आ गए, मेरे लाल आ गए, मेरे लाल आ गए, मेरे कृष्ण और मेरे बलराम आ गए। यही हैं वो दोनों जो वृंदावन से आए हैं। पूरे नगर में इनकी वीरता की चर्चा है। परंतु ये दोनों तो बच्चे हैं। तो ये है मेरा काल। चाणूर मैं चाणूर हूं, तुम कृष्ण और ये बलराम बलवानों के बलवान। मैं हूं मुष्टिक, कौन लड़ेगा मुझसे? आपसे दाऊ लड़ेंगे, चाणूर जी से मैं लड़ूंगा। स्वीकार है। ये तो अन्याय है, एक बच्चे के सामने चाणूर जैसा मन। शाला गुड। मामा मैं आ गया। आप 10 वर्षों से मुझे ढूंढ रहे थे ना? आपका निमंत्रण स्वीकार करके मैं आ गया हूँ। जब अत्याचार अपनी अति पर पहुँचता है तो स्वयं अपने अंत को निमंत्रित करता है। आपने भी मुझे स्वयं निमंत्रित किया है मामा, धन्यवाद। Yeah.
छह भाइयों के लिए जिनके नन्हे कोमल शरीर तूने पत्थर पर पटक पटक कर उनके प्राण ले लिए। ये मेरे निर्दोष माता पिता के लिए जिन्हें तूने इतने वर्ष बंदी बना कर रखा। ये मेरी माता के उन अनगिनत आंसुओं के लिए जिन्हें वो 10 वर्षों तक अपनी आंखों में छिपाए रही। ये यादवों के उन 18 कुलों के लिए जो तेरे भय से मथुरा छोड़ गए। और ये तेरे हर उस अत्याचार के लिए जो तूने गोकुल वृंदावन और मथुरा के ग्वाल बालों पर किए। कृष्ण का जन्म और कृष्ण की लीला, जो उन्हें समझ सकता है वो जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर पुनर्जन्म नहीं लेता, सदा के लिए कृष्ण के लोक का वासी हो जाता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब उपस्थित भक्तों से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हम बम्बई से यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए आए हैं, और भगवान श्री कृष्ण तभी प्रसन्न होते हैं जब भक्त प्रसन्न हो, और भक्त तब प्रसन्न होते हैं जब कृष्ण की लीला का वर्णन और लीला उनको सही रूप से दिखाया हो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये नाटिका देखकर भक्त प्रसन्न हुए? अगर हाँ तो जोर से हाथ उठाकर कहिए। क्या भगवान प्रसन्न हुए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ये जो ड्रामा आपने देखा है इसमें टोटल 50 से 60 लोगों का योगदान है, और ख़ास करके मैं दो नामों का तीन नामों का वर्णन करना चाहूँगा। एक तो हमारी आर्ट डायरेक्टर हरग्रेस कमल सुंदरी देवीदासी, जो एक्चुअली परमानेंटली शिफ्ट हो रहे हैं बरसाना में, लेकिन फिर भी ये ड्रामा का जैसा उन्हें पता चला उन्होंने पोस्टपोन किया और हमारे मदद करने के लिए यहाँ पे आए। दूसरा वो नाम है जो आप सब परिचित हैं, हिजग्रेस शास्त्र स्वरूप दास प्रभु। उन्होंने हमें ये सेवा का अवसर दिया, हम पर विश्वास रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। और सबसे ज़्यादा विशेष रूप से मैंने उनके साथ में कई बार किया है नाटिका और उन्होंने अरेंजमेंट किया है। मैंने एक चीज़ देखा है कि हमें उन्हें इतने परेशान करते हैं लेकिन उनके चेहरे पे एक भी परेशानी नहीं दिखाई देती है। ये सच भक्त का लक्षण है। और वो नाम है रमाए प्राण प्रभु। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी यहाँ पे उपस्थित भक्तगण हैं आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे